हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम अली और आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके अपने विंडोज़ पीसी को शट डाउन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली हम पीसी को शट डाउन करने के लिए विंडोज़ बटन पर क्लिक करके पावर बटन पर जाते हैं और यहाँ से इसको शट डाउन करते हैं, लेकिन हम कीबोर्ड से एल्ट प्लस F4 एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉपअप आ जाएगा जहाँ से आप इसको शट डाउन कर सकते हो या फिर चाहो तो रिस्टार्ट भी कर सकते हो। सेकंड मेथड में आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडोज़ प्लस R, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD। CMD टाइप करते हैं, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है शट डाउन स्पेस स्लैश S स्पेस स्लैश T देन 0। तो यहाँ पे हमने शट डाउन ऑप्शन को यूज़ किया है। इसके अंदर अलग अलग कमांड्स होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्लैश S का यूज़ किया है जिसका मीनिंग है शट डाउन। अगर आप इसको रिस्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप टाइप करोगे स्लैश R। अगर आपको अपने यूज़र को लॉग ऑफ करना है तो आप टाइप करोगे स्लैश L। उसके बाद मैंने यूज़ किया है -T जो कि डिनोट करता है टाइम को कि कितने टाइम बाद हमारा पीसी जो है वो शट डाउन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 0 टाइप किया है ताकि तुरंत शट डाउन हो जाए। अगर आप इसमें कुछ टाइम डालना चाहते हो कि इसको 10 सेकंड बाद शट डाउन होना है तो आप यहाँ पे 10 टाइप करके इंटर कर सकते हो। उसके बाद 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो जाएगा। थर्ड मेथड में आपको अपने कीबोर्ड पर प्रेस करना है विंडोज़ X, उसके बाद प्रेस करना है U, और उसके बाद अगर आप शट डाउन करना चाहते हो तो अगेन U प्रेस कर दोगे, और अगर आप रिस्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे R प्रेस कर दोगे तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। फोर्थ मेथड में आपको अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके शॉर्टकट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है स्लाइड टू शट डाउन, उसके बाद करना है नेक्स्ट। फिर यहाँ पे अपने शॉर्टकट का कोई भी नाम डाल देना है, जिसमें यहाँ पे डाल देता हूँ शट डाउन देन फिनिश। तो यहाँ पे एक आइकन बन के आ जाएगा, जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक स्लाइड का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप इसको स्लाइड को डाउन करोगे तो आपका पीसी शट डाउन हो जाएगा। और अगर आप इस आइकन को चेंज करना चाहते हो तो इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे चेंज आइकन पर और यहाँ पे इसको कोई भी आइकन असाइन कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक मेथड थे पीसी को शट डाउन करने के। मैंने यहाँ पे पीसी को शट डाउन करके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अगर मैं इसको शट डाउन कर दूंगा तो रिकॉर्डिंग क्लोज हो जाती, लेकिन आपके पीसी के अंदर ये सारे के सारे मेथड वर्क करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।